साल 1950 से लेकर 1970, ये वो दौर था जब मुंबई पर मुंबई का पहला डॉन कहा जाने वाला हाजी मस्तान का दबदबा रहा। बड़े बड़े नेताओं से लेकर बॉलीवुड की गलियों तक हाजी मस्तान की तूती बोलती थी। लेकिन उसी दौर में एक और डॉन था जो हाजी मस्तान के साये में पल रहा था। ये डॉन था वरदराजन मुदालियार उर्फ काला बाबू उर्फ वरदा। हाजी मस्तान ने ही वरदा को अपराध की दुनिया का बादशाह बनाया था। इन दोनों की दोस्ती बेहद ही गहरी थी। दोनों ही तमिलनाडु से थे और मुंबई में एक साथ ही कूली का काम करना भी शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि वरदा से पहले हाजी मस्तान मुंबई पर राज करने लगा, लेकिन वरदा भी कम नहीं था। शुरुआत से ही वरदा ताकतवर और अमीर शख्स बनने की चाहत रखता था। अपनी इसी चाहत और आर्थिक स्थिति की वजह से साल 1960 में वो तमिलनाडु छोड़कर रोजगार की तलाश में मुंबई आ पहुंचा और यहाँ पर कूली का काम करने लगा। कूली का काम करने के दौरान उसकी मुलाकात अवैध शराब धंधा करने वाले लोगों से हुई। इसके थोड़े ही दिनों बाद वरदराजन वरदा भाई बन गया। अवैध शराब के धंधे में उतरा वरदा अब अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश में था, क्योंकि उसे अब मुंबई में रहने वाले तमिलों का साथ भी मिल रहा था। लेकिन उसके सामने हाजी मस्तान था। कुछ ही समय बाद एक चोरी के केस में पुलिस ने वरदा को गिरफ्तार कर लिया। यही उसकी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई। हाजी मस्तान ने वरदा से कहा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम हमारे साथ काम करो, जो चुराया है उसे वापस कर दो और हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाओ। बस इसी मुलाकात के बाद वरदा पूरी मुंबई पर राज करने वाला था। हाजी मस्तान से जुड़ने के बाद उसने डॉकयार्ड से सोने की तस्करी शुरू की और इसके बाद रियल एस्टेट के धंधे में भी आ गया। सुपारी लेकर जमीन पर कब्जा और नशीले पदार्थों की तस्करी उसका मुख्य पेशा था। इसी दौरान हाजी मस्तान ने उसकी मुलाकात डॉन करीम लाला से करवाई और काम के लिए मुंबई में इलाकों को बांट लिया। 70 के दशक में पूर्व मध्य मुंबई का सारा काम वरदा देखने लगा। इसके साथ ही तमिल लोगों के बीच भी उसकी मजबूत पकड़ बन गई। वरदा का खौफ इतना था कि पुलिस भी उसके इलाके में आने से डरती थी। समय समय पर जरूरतमंदों की मदद करना और धार्मिक कार्यों में लगने वाला पैसा वरदा का ही हुआ करता था। इसी दौरान साल 1974 में हाजी मस्तान को आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो बाहर आया तो रियल एस्टेट के धंधे में आ गया। वहीं कुछ ही सालों के बाद मुंबई के एक पुलिस अफसर यादवराव पवार ने वरदा गैंग के गुर्गों को एनकाउंटर में मार गिराने के साथ वरदराजन को मुंबई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सरकारी तंत्र पर जोरदार पकड़ वाले वरदा ने कई बार पवार को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन साल 1980 में उसे चेन्नई वापस जाना पड़ा, जहां कुछ ही सालों बाद 1988 में उसकी मौत हो गई। वरदा की मौत के बाद हाजी मस्तान ने उसकी अंतिम इच्छा अनुसार एक विशेष विमान से उसके शव को मुंबई मंगवाया और लाखों की भीड़ के बीच उसका अंतिम संस्कार करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम तक।